जानेंगे रिको ऑटो शेयर को लेकर। बताइए सर। सर नमस्कार सर जी, गावा सर को भी नमस्कार सर। नमस्कार सर मेरे पास रिको ऑटो है सर, 3,000 शेयर 101 के रेट में लिए थे मैंने सर। मैं उनको एक साथ रख सकता हूँ? कब लिए थे आपने ये? ये सर अभी पिछले वीक में लिए सर। पिछले हफ्ते लिए हैं, 1 साल तक जी रुक सर। सकते कुछ हैं। जी और कुछ कुछ और शेयर ऐड करूँ क्या इसमें, और गवा इंतजार सर कब तक करूँ सर? जी, गवा सर रिको ऑटो क्या करना है? ये जगह लेने की गलत है, सिंपल। यहीं पर रेसिस्टेंस है जहां इन्होंने लिया है। लेना चाहिए था 80 पे 60 पे जब आया था, लेकिन अब यहाँ पर रेसिस्टेंस है और ये जो बहुत दौड़ा है यहाँ पर पहुंचते पहुंचते, तो यहाँ से ब्रेकआउट मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है। अगर लिया है तो होल्ड कीजिए, और फिर नजरिया थोड़ा बढ़ा दीजिए, फिर एक बूम मिलेगा। ये ऑल टाइम हाई जब 100 पार कर लेगा तो अच्छा अपू आएगा, वो नेक्स्ट कैंपेन में होगा। फिलहाल 70 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो फिलहाल होल्ड करना तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस लगाना तो 80 का लगाइए। 80 में क्रैक हो जाता है तो निकल जाइएगा, कंटिन्यू होल्डिंग है। अब सर 3% चलने के बाद इन्होंने एंट्री ली है, अभी 1 आध रुपए कम है इनके भाव से, तो अगर रेजिस्टेंस पे खड़ा तो फिर अभी इनको निकल जाना चाहिए क्या? ऑडियो की दिक्कत है, क्रैक हो रहा है बहुत और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आ रही है अभी? अभी आ रही है, अभी आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब इन्होंने अभी लिया 1-2 दिन पहले और इनके भाव के आसपास ही खड़ा है और रेजिस्टेंस पे है, 3 महीने में 45% स्टॉक चलने के बाद इन्होंने एंट्री ली है, तो क्या ये समझदारी नहीं होगी कि अभी 1 आध रुपए नुकसान करके बेच के इनको निकले? स्टॉप होल्ड कर सकते हैं, इनको स्टॉप लगाना चाहिए 90 का, 90 ब्रिज एग्जिट। लेकिन मेरे ख्याल से कंपनी बढ़िया है, एक ब्रेकआउट अगर मिल जाता तो बहुत ही अच्छा, लेकिन ये थर्ड अटेम्प्ट है और यहां से जब फोर्थ अटेम्प्ट होगा तब बहुत बढ़िया आपको मिलेगा। तो थोड़ा यहाँ पर रेस्ट करने की जगह है, रिकॉर्ड होल्ड कर सकते हैं 90 का स्टॉप लगाकर।